14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट हेलियोस 522 टेक ऑफ के लिए तैयार थी, जो कि ज़ाइप्रन के लार्का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली थी। इस पैसेंजर प्लेन में कुल 115 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सहित 121 लोग सफर कर रहे थे। रूटीन पैसेंजर चेकिंग के बाद 9:07 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ हुई। इसे उड़ा रहे थे हेंस जॉर्गन मार्टिन और को पायलट पाम्पलोस चारलोम्बस। टेक ऑफ के वक्त सब कुछ ठीक ही था, लेकिन उड़ान भरने के 5 मिनट बाद जब प्लेन 1240 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तभी अचानक एक अलार्म प्लेन के कॉकपिट में बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच पायलट्स ने की, तब उन्हें पता चला कि ये तो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट्स हैरान ही हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर खड़ा हो और टेक ऑफ के लिए तैयार ना हो। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों ही पायलट्स को समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से समय न गवाते हुए उन्होंने तुरंत ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और प्लेन में हो रही प्रॉब्लम बताई। पायलट्स ATC से बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल के सभी अलार्म अचानक से बजने लगे और पायलट्स का ATC से संपर्क भी टूट गया, जिस वजह से पायलट्स की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसी बीच प्लेन का मास्टर केरोसिन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब ये था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम्स एक साथ ओवरहीट होकर बंद पड़ते जा रहे थे। प्लेन पर पायलट्स का पूरी तरह से कंट्रोल ना होने की वजह से पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई थी। सभी पैसेंजर्स पैनिक हो रहे थे और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। जब कई बार ATC प्लेन के साथ कॉन्टेक्ट करने में विफल रहा, तब प्लेन के साथ कोई भी अनहोनी ना हो, इसलिए क्रिस ऑफिसर ने कुछ देर बाद अपने सबसे बढ़िया 2 F-16 जेट प्लेन्स को भेजा इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए। कुछ ही देर में उन्हें हेलियोस 522 प्लेन भी दिख गया। जब एक जेट हेलियोस प्लेन के करीब उड़ते हुए आया, ये देखने के लिए कि आखिर प्लेन के अंदर क्या चल रहा है, तब उसे दिखाई दिया कि मेन पायलट बेहोश पड़ा है और कोई कोपायलट की सीट पर बैठकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही 2 फाइटर जेट्स प्लेन के इतने करीब से उड़ रहे थे, मगर कोई भी पैसेंजर किसी भी तरह की मूवमेंट तक नहीं कर रहा था। कोपायलट की सीट पर बैठा व्यक्ति इस प्लेन को काबू में करने की जी जान से कोशिश कर रहा था कि तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे गिरने लगा। और प्लेन को दूसरा झटका तब लगा जब राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से ये प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और प्लेन में मौजूद सभी 121 लोगों की डेथ हो गई। तुरंत ही इसकी सूचना वहां की सरकार को मिली और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी डेड बॉडीज को ढूंढकर बाहर निकाला गया। जब इन डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ, तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि प्लेन के क्रैश होने से पहले ही प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स की मौत हो चुकी थी, जो कि डॉक्टर्स के लिए भी एक मिस्ट्री ही थी कि एक साथ सभी की डेथ कैसे हो सकती है। जब इस प्लेन क्रैश की जांच शुरू हुई, तब एक्सपर्ट्स ने ये पाया कि प्लेन के प्रेशर को सेट करने के बटन से छेड़खानी की गई थी, जिस वजह से प्लेन में ओवर प्रेशर की वजह से सभी की जान चली गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज्ड बटन पूरे प्लेन में एयर प्रेशर को कंट्रोल करता है और प्लेन में एयर सर्कुलेशन भी बनाए रखता है। आमतौर पर इस प्रेशराइज्ड बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, पर इस प्रेशराइज्ड बटन को मैनुअल मोड पर सेट किया गया था। अगर इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन या फिर कोपायलट को इस पर ध्यान रखना पड़ता है, पर इस प्रेशराइज्ड बटन को ऑटोमेटिक से मैनुअल पर आखिर सेट किया तो किया किसने? तो हमें हादसे से एक दिन पहले जाना होगा, जब प्लेन को रूटीन सर्विस पर ले जाया गया था। वहां इस प्लेन की पूरी तरह से सर्विसिंग की गई थी और प्लेन की जांच करने के लिए उन लोगों ने इस बटन को मैनुअल मोड पर सेट करके ही इसे गलती से पायलट को सौंप दिया, जिसकी जानकारी प्लेन के पायलट्स को नहीं थी। और टेक ऑफ के बाद अचानक से सभी अलार्म्स के बजने की वजह से हड़बड़ी में पायलट्स का भी ध्यान इस बटन पर नहीं गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स भी बेहोश होने लगे। अब ये सवाल आता है कि फिर इतनी देर तक इस प्लेन को कौन उड़ा रहा था? वो थे प्लेन के को पायलट पाम्पलोस चारलोम्बस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक स्कूबा ड्राइवर भी रह चुके हैं, इसी वजह से वो इतनी देर तक बिना सांस लिए इस प्लेन को घनी आबादी से दूर ले जा सके और कई हजारों मासूम लोगों की जान बचा सके। एक छोटी सी गलती का खामियाजा 121 लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा और बस एक बटन ने उन सभी लोगों की जान एक साथ एक झटके में ले ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।